गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम ने बड़ौदरा में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। बड़ौदरा में प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह के दौरान किया संबोधन, कहा विमान निर्माण आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत की एक बड़ी छलांग। आज भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद, बोले आज देश में पहली बार निजी क्षेत्र द्वारा किसी विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी जा रही है। भारत में शुरू होने जा रहे इस प्लांट को अपने आप में खास बताया गया, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब C-295 एयरक्राफ्ट यूरोप से बाहर बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे, केवड़िया में ही करेंगे रात्रि विश्राम। पीएम मोदी सोमवार को सरदार पटेल के जन्मदिन पर एकता दिवस समारोह में शिरकत करेंगे, इसके बाद उनके बनासकांठा और फिर राजस्थान जाने का है कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को बनासकांठा में 8034 करोड़ की विभिन्न प्रोजेक्टों का भूमि पूजन और विकास कार्यों की घोषणा करेंगे। बनासकांठा जिले में पानी से जुड़ी विभिन्न विकास कार्य भी इन परियोजनाओं में शामिल, प्रधानमंत्री पाइपलाइन, डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल, गांव में जल संग्रह की अतिरिक्त सुविधाएं जैसे विकास कार्यों की भी करेंगे घोषणा। उत्तर गुजरात में पानी से जुड़ी समस्याएं दूर करने की दिशा में यह कदम बेहद अहम है, आगे आने वाले दिनों में किसानों को होगा फायदा। पीएम मोदी ने 94 बार मन की बात की, देशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी, कहा छठी मैया सुख शांति और समृद्धि लाएं। पीएम ने छठ का जिक्र करते हुए कहा छठ महापर्व स्वच्छता पर देता है जोर, देशभर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है छठ। छठ का पर्व हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व पर भी जोर देता है। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा सोलर एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया देख रही है भविष्य, सौर ऊर्जा के किसान कर रहे हैं कमाई। मन की बात के 94 एपिसोड में बोले पीएम स्पेस सेक्टर में भी भारत कमाल कर रहा है, भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। पीएम ने कहा आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास की 5G लॉन्चिंग में अहम भूमिका, आईआईटी के छात्र कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कहा राष्ट्रीय खेलों ने एकता का मजबूत संदेश दिया, राष्ट्रीय खेलों में खेल और संस्कृति का संगम हुआ। राष्ट्रीय खेलों ने जहां एकता का मजबूत संदेश दिया, वहीं भारत की खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देने का काम किया है। पीएम मोदी ने कहा त्रिपुरा में बायो विलेज बनाने पर हो रहा है काम, युवाओं की प्रतिभा देश को आगे लेकर जाएगी। त्रिपुरा के कुछ गांव बायो विलेज 2 की सीढ़ी चढ़ गए हैं। बायो विलेज 2 में इस बात पर जोर होता है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कैसे कम से कम किया जाए। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर रोजगार मेले को किया संबोधित, कहा 3000 युवाओं को सौंपे जा रहे हैं नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी ने कहा 21वीं सदी का यह दशक जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे अहम दशक। वर्चुअली संबोधन में बोले पीएम मोदी, पुरानी चुनौतियों को छोड़कर नई संभावनाओं का लाभ उठाने का समय है, नई सोच के साथ करना है काम। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के विकास का भी किया जिक्र, कहा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, टूरिज्म सेक्टर भी हुआ है मजबूत। भ्रष्टाचार पर भी बोले पीएम मोदी, कहा जम्मू कश्मीर के लोग पहले भ्रष्टाचार से पीड़ित थे, वे भ्रष्टाचार का दर्द हमेशा से महसूस करते थे। तेलंगाना में राहुल गांधी ने लगाई रेस, गोलापल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अचानक दौड़ पड़े राहुल गांधी, अपनी अच्छी सेहत का दिया प्रमाण, राहुल के साथ कार्यकर्ता और सुरक्षा गार्ड भी रेस लगाने को हुए मजबूर। गोलापट्टी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बच्चों के साथ बात कर रहे थे राहुल गांधी, किसी दौरान अचानक लगाई दौड़, बच्चे भी साथ में दौड़े। तेलंगाना के गोलापट्टी में राहुल गांधी स्थानीय निवासियों के साथ बतुकम्मा महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे, साथ ही बतुकम्मा लोक नृत्य भी किया, जयराम रमेश ने भी साथ दिया। कल भी तेलंगाना में राहुल का दिखा था जुदा अंदाज, आदिवासियों के साथ नृत्य करते आए थे नजर, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर खूब वायरल।
तेलंगाना के महबूबनगर में राहुल की सभा में जुटी भारी भीड़। राहुल ने कहा, बीजेपी एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाकर देश को कमजोर कर रही है। बीजेपी की हिंसा और नफरत के खिलाफ खड़ी हो जनता। बीजेपी एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाकर देश को कमजोर कर रही है। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी और टीआरएस मिले हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खिलाफ काला कानून लाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर सीएम केसीआर तेलंगाना में किसानों, आदिवासियों और दलितों की जमीन छीनने में लगे हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार में मंत्री फौजा सिंह ने की राम रहीम के दरबार में लगाई हाजिरी। फिरोजपुर में राम रहीम के दरबार डेरा सच्चा सौदा पहुंचे थे फौजा सिंह। डेरा सच्चा सौदा पहुंचने पर मंत्री फौजा सिंह को किया गया सम्मानित। सामने आई तस्वीरें, राम रहीम की दरबारगिरी पर उठे सवाल, दोहरे मापदंड का लगा आरोप। हिमाचल के मंत्री विक्रम ठाकुर की राम रहीम के दरबार में हाजिरी का आम आदमी पार्टी ने उठाया था मुद्दा। रेप के दोषी राम रहीम की लंबी पेरोल को चुनावी जीत से जोड़ा था। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने छठ पर्व पर यमुना सफाई को लेकर आप पर साधा निशाना। कहा, जब हरियाणा और यूपी में यमुना साफ है तो दिल्ली में क्यों नहीं, हमने भी यमुना में केमिकल डालने पर करवाई एफआईआर दर्ज। शिमला शहरी सीट से बीजेपी उम्मीदवार और चायवाला के नाम से मशहूर संजय सूद ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, मोदी की कोई तुलना नहीं, अपनी जीत का भी दावा किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के भद्रक में निकाली पदयात्रा, धामनगर उपचुनाव के लिए प्रचार किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जोधपुर में जुडिशियल अकेडमी के सेमिनार में की शिरकत, चार से अधिक राज्यों के न्यायाधीश भी हुए शामिल। बालाघाट के लामता से आई चोरी की एक दिलचस्प घटना, जैन मंदिर से लाखों रुपए के चांदी के छत्र और चांदी के भमंडल हुए थे चोरी। चोर ने चोरी के सामान को माफीनामा लिखकर किया वापस। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम का जायजा लिया, 1 नवम्बर को पीएम मोदी मानगढ़ धाम में शहीदों को करेंगे नमन। छतरपुर में मौनिया महोत्सव में शामिल हुए सीएम शिवराज, कहा शासकीय कैलेंडर में शामिल होगा मौनिया महोत्सव, जटाशंकर धाम बनेगा पर्यटन स्थल। मौनिया महोत्सव में थिरके सीएम शिवराज, कहा यह महोत्सव हमें आनंद और उल्लास के साथ जीने का संदेश भी देता है। सीएम धामी ने देहरादून मैराथन में लिया हिस्सा, कार्यक्रम में सिंगर कैलाश खेर ने भी अपने गीतों से बांधा समा। उत्तराखंड पुलिस की ओर से मैराथन का आयोजन, सीएम धामी ने कहा 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का संकल्प। राजस्थान बीजेपी में बड़े बदलाव के संकेत, 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले राजस्थान बीजेपी के 14 जिला अध्यक्ष बदलने की तैयारी। जयपुर शहर, अलवर उत्तर, अलवर दक्षिण, बीकानेर देहात, चूरू, टोंक, बाड़मेर समेत 14 जिला अध्यक्ष बदलने की तैयारी में है बीजेपी। कोलकाता में पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेस के दीक्षांत समारोह, अतिथि के तौर पर पहुंचे सीएम ममता। हरियाणा में आज पंचायत चुनाव के मतदान का पहला चरण हुआ शुरू, शांतिपूर्ण रहा मतदान। मुरैना में मुगलकालीन घड़ी में मिले तोप के दो गोले, एक को कबाड़ी को बेच दिया गया था लेकिन अब पुरातत्व विभाग ने संरक्षण में लिया है, तोप के गोलों के मुगलकालीन होने की जांच होगी। देशभर में छठ के महापर्व की धूम, तीसरे दिन डूबते सूरज को दिया गया अर्घ्य, घाटों पर जुटे व्रती। बिहार की राजधानी पटना में भी छठ के महापर्व का दिखा जबरदस्त आस्था का रंग, घाटों पर सूर्य को अर्घ्य देते नजर आए व्रती। दिल्ली में व्रतियों ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य, घाटों पर व्रतियों की भारी भीड़। दिल्ली से सटे नोएडा में भी दिखी छठ महापर्व की धूम, घाटों पर व्रतियों ने दिया डूबते सूरज को अर्घ्य। छठ महापर्व पर मुंबई के जुहू बीच में दिखी व्रतियों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर तीसरे दिन का किया समापन। यूपी के गोरखपुर में भी व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया, घाटों पर जुटे व्रती। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी छठ पर उमड़ा आस्था का सैलाब, व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा का किया समापन। असम में छठ महापर्व की धूम, घाटों में उमड़ी भीड़, डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। बंगाल में भी छठ के लिए सजे घाट, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा घाट पर छठ पर्व में हिस्सा लिया। पटना पहुंची मशहूर टीवी एक्ट्रेस रति पांडे ने परिवार के साथ मनाया छठ, अपने घर पर छठ गीत गुनगुनाते हुए ठेकुआ भी बनाया। पटना के छठ घाट पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव,
छठ व्रतियों के साथ सूप दौरा उठाने में सहयोग कर लोगों को छठ की शुभकामनाएं दी। प्रयागराज में आस्था के साथ मनाया गया छठ का महापर्व। छठ व्रती महिलाओं ने डूबते सूरज को दिया अर्घ्य। सुबह भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर महापर्व का समापन होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिवार के साथ छठ व्रतियों के बीच छठ घाट पहुंचे। डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया से झारखंड वासियों के लिए मांगा आशीर्वाद। गाजियाबाद में महिलाओं ने छठ पर्व के त्योहार को उल्लास के साथ मनाया। क्रॉसिंग रिपब्लिक में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। पटना में किन्नर समुदाय के लोगों ने भी डूबते सूरज को दिया अर्घ्य। ढोल नगाड़ों के साथ पूजा कर लोगों को दी दुआएं। पर्थ में खेले गए वर्ल्ड कप टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हराया। अंतिम ओवर में जीता मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मिलर अंत तक नाबाद रहे। 46 गेंदों में बनाए 59 रन। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडम मार्करम ने भी खेली अर्धशतकीय पारी। 41 गेंदों में बनाए शानदार 52 रन। भारत की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे अर्शदीप। 25 रन देकर चटकाए 2 विकेट। भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन रहे सबसे महंगे। 4 ओवर में लुटाए 43 रन। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया था फैसला। दक्षिण अफ्रीका को 134 रनों का दिया था लक्ष्य। भारत की ओर से सूर्य कुमार यादव ने खेली शानदार पारी। 40 गेंदों में बनाए 68 रन। भारतीय ओपनर केएल राहुल एक बार फिर से रहे फ्लॉप। महज 9 रन बनाकर लौटे पवेलियन। दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी के सामने चरमराई टीम इंडिया की बल्लेबाजी। नहीं चले रोहित, विराट और पांड्या। दक्षिण अफ्रीका ने की शानदार गेंदबाजी। लुंगी एनगिडी ने सबसे ज्यादा चटकाए 4 विकेट। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना केबल पुल टूट जाने से कई लोग नदी में गिर गए। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ। पीएम पटेल ने मृतकों के परिवार को 4 लाख, घायलों को 50,000 मुआवजे का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर जताई संवेदना। पीएमओ से मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। शोपियां से लश्कर का आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों को दी राहत। 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केजरीवाल ने बीजेपी की नीयत पर उठाए सवाल। कहा सभी समुदायों के साथ लेकर बने समान कानून। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ईडी ने दिल्ली सरकार के मंत्री के ऐशो आराम की तमाम सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट में सौंपी। ईडी ने हलफनामे में तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को हेड मसाज, फुट मसाज और बैक मसाज जैसी तमाम सुविधाएं दी जाने की कही बात। ईडी ने सेल में पत्नी पूनम जैन के मिलने पर भी उठाए सवाल। पंजाब में जलते पराली को लेकर बढ़ते दबाव के बीच मान सरकार का एक्शन। 4 कृषि अधिकारी सस्पेंड। दिल्ली में प्रदूषण के लिए बीजेपी बता रही है जिम्मेदार। मेरठ में धर्मांतरण के मामले में यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने एफआईआर में दर्ज 5 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अब तक 3 महिलाओं समेत 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।